अभी अब मैं एक बात मैं बताता हूँ यार, आप बोलोगे खुद ही बता रहा है। मैं जब सब्जी बनाता हूँ ना, मैं जब बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो मैं उस सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खा लेता हूँ। यानी कि एक कटोरी भी कम पड़ जाती है, दो कटोरी खा लेता हूँ कभी कभी सब्जी जब खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का बना हुआ बहुत टेस्टी लगता है। बेटी जा यूं गोला गुइडो जोमा खेली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुपर वीरू ब्लॉग में आज देखने वाले हो आप किस तरीके से मेरी दिनचर्या है और मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे काम है। और क्योंकि दीदी तो गांव चले गई है, गांव जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, यानी कि खाना भी मुझे बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, साफ सफाई भी करनी है और बर्तन भी धोने हैं। तो समय लगभग 6th क्लास में था तब से मैंने खाना बनाना सीख लिया था, और हम बनाते रहते थे। कभी दीदी गाँव चले जाती थी, कभी भैया गाँव चले जाते थे, तो अकेले में रहे इस तरीके से हमने खाना बनाना खुद ही सीख लिया। खुद ही सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी बनाते हैं। अगर आप देखोगे अभी, पहले आज तो मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो मुझे इतना टाइम नहीं है आज, और मैं बना रहा हूँ आलू के गुटके। यानी कि मैं आलू को उबाल के उसके बाद उसको प्याज टमाटर काट के उसके बाद फ्राई करूँगा, और उसके बाद तैयार हो जाएगा। और साथ में मैं अभी आटा भी गूंथूंगा, फिर आटा गूंथने के बाद रोटियां कैसे बनती है दिखाऊंगा आपको, मेरी रोटियां कैसे बनती है, और आप भी हैरान हो जाएगा किस तरीके की रोटियां बनाते हैं ये। इस तरह तो सही कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है आगे, अब थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाना है क्योंकि टाइम भी हो चुका है। फटाफट किचन में जाते हैं, सब्जी काटते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर 9 बजे ऑफिस को निकलना है। फटाफट काम करते हैं अभी। बेटी जा यूं गोला गुइडो जोमा खेली की सयानू वे तू। ग्वाया लागनी जय डांडियली जय चौक, जो बाटो आणू जानू रे तू, जो बाटो आणू जानू रे तू। कखन देखण दिखाऊंगा मैं कैसी बन रही है मेरी रोटी।
की बनती है। इस तरीके की रोटियां मैं बनाता हूँ और मेरी रोटियां अक्सर जल जाती है। ये रोटी भी थोड़ी जल गई है, लेकिन रोटियां जलती है लेकिन रोटियां मेरी कभी कच्ची नहीं होती है, हमेशा पकी हुई रहती है। और थोड़ा इस टाइप से बनता है, कैसी बन रखी है रोटी आप देख लो और कमेंट करके लिखना कि भाई जो रोटियां बन रही है वो गोल बन रही है या कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तो देख लो दोस्तों, ऐसी रोटियां मेरे से बनती है। और दोस्तों नाश्ता वगैरह तो बन गया है फटाफट, और उसके बाद अभी थोड़ा नहाना धोना करते हैं और उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद ऑफिस को निकल, क्योंकि देर हो रही है भाई, बहुत जल्दी में है। और फटाफट पहले भैया को नाश्ता करवाया, फिर अब थोड़ा अपना नहाना धोना करते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं फिर ऑफिस के लिए, देर हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, पता नहीं आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और वीडियो भी नहीं देखते, कुछ हो गया ऐसा भाई? टाइम टाइम की बात होती है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम वैसा टाइम चल रहा है कि मिल नहीं पा रही मुझे टाइम, टाइम मिलेगा उसके बाद आने वाली है जबरदस्त तरीके की वीडियो आपके पास, टेंशन मत लो, सारी वीडियो आएंगी। जैसे सुपर वीरू ब्लॉग पहले से वीडियो आ रही थी सुपर वीरू ब्लॉग की, वैसे ही वीडियो आएंगी। और वही है, आपको पता ही है जब वीडियो हम बनाते हैं तो किस तरीके की बनाते हैं, सब चीज इंजॉय करो, सब चीज लाइफ में सब चीज दिखाना पड़ता है। तो आज मैं, तो दोस्तों मैं नहा भी गया हूँ और अब मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकलते हैं। और नाश्ते में मैंने जो बनाए हुए आज पता ही है आपको, आलू की सब्जी बना रखी है, क्योंकि मैंने पहले बॉयल किया था, उसके बाद फ्राई किया उसको, और उसके बाद मिर्च मसाला वगैरह सही तरीके से उसको बनाया है। और अब आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने रोटी बनाई, मेरी रोटियाँ जल जाती है यार, पता नहीं क्यों जल जाती है, जब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा जल जाती है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है, और रोटियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी ही बनती है। और कोशिश करूंगा धीरे धीरे गोल रोटी बन जाए, क्योंकि आदत नहीं पड़ी रहती ना, अगर आदत पड़ी रहती तो रोटी गोल हो जाती है। और मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं रोटियां बना रहा हूँ तो टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन खाने के लिए बहुत मस्त लगता है। और अब देखता हूँ मैं सब्जी में, जो सब्जी मैंने बना रखी है इसमें नमक मिर्च कैसा हो रखा है, और ये चीज़ें देखते हैं। ये है मेरी सब्जी जो मैंने बना रखी है आज, आलू और उसमें धनिया वगैरह मैंने डाल रखा है, और साथ में मेरी जली हुई रोटियां, जली हुई रोटियां भी हैं, और पानी मैंने रखा हुआ है, और थोड़ा एक गिलास पे मैंने चाय भी रखी हुई है। खाते हैं इसको, पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें नमक मिर्च है या नहीं है, कैसा हो रहा है। वाह यार, आलू की सब्जी तो बहुत टेस्टी हो रखी है, लेकिन रोटियां जो हैं बहुत मोटी हो रखी है, यार कि आलू की सब्जी टेस्टी है और रोटियां मोटी हो रखी है आलू की सब्जी। अब मैं एक बात मैं बताता हूँ यार, आप बोलोगे खुद ही बता रहा है, मैं जब सब्जी बनाता हूँ ना, मैं जब बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो मैं उस सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खा लेता हूँ, यानी कि एक कटोरी भी कम पड़ जाती है, दो कटोरी खा लेता हूँ कभी कभी सब्जी जब खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का बना हुआ बहुत टेस्टी लगता है। और